ददर्श प्रमदोत्तमाम् भृत्यैर्दशवीरायन्तीम् एकैकशतनायकैः। ईदृक्षे आगतम् आगताम् अपने आप आ गई हुई है, किसी ने बुलाया नहीं, न तो बोल के आई और खुद भी नहीं जानती हो कहां से आई, दूसरा क्या जानेगा। बोलेगी, पूछेगा ना वो, तुम कहां से आई हो, तेरे माँ बाप कौन है। वो भी कहते मैं क्या जानती हूँ, वास्तव में आप भी नहीं जानते आप कहां से हैं। रंजन कहा था, जीवी को मालूम है, जीव तो अज्ञान से पैदा हो रखा। तो इसलिए कह रहे हैं यदृच्छे आगताम तत्र, इस शरीर रूपी महान संसार में अचानक ये दिखाई दी है कोई एक देवी प्रमदोत्तमाम। और कैसी है वो प्रमदोत्तमाम, विषय विवेकवती, विषयों को सम्यक प्रकार से विवेचन करके निश्चय करने की सामर्थ्य वाली है वो। और कैसी है, कहते हैं भृत्यैर्दशवीरायन्तीम्, दस प्रमुख नौकर है, मेन पांच ज्ञानेन्द्र, पांच कर्मेंद्र, मन को अलग बार मिलेंगे। और उन दसों इंद्रियों के भी चेले कितने, एक एक शतनायक सैकड़ों वृत्तियों से प्रत्येक इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया भी सैकड़ों वृत्तियां वाले, प्रत्येक इंद्रिया अपना अपना दिन रात देखो 24 घंटा चलते रहता है, इसकी वृत्तियां अनंत वृत्तियों वाले हैं ये, इसलिए इंद्रिया अनंत वृत्तियों से इंद्रियों को यह बता दिया वही उनके वृत्ति के सदृश है, उसके सहित वो थी। इसके साथ एक और था जो बड़ा मुष्टुंडा है, बहुत तगड़ा है, हमें 24 घंटा इसका जो है रखवाली करता है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। कौन है वो, पंचशीर्षाहिना गुप्ताम प्रतिहारेण सर्वदा अन्वेषमाणाम ऋषभम अप्रौढ़ाम काम रूपिणी। ऐसा रूपिणी को देखा, ऐसा पूर्व ददर्श पुरुष लोक में था, उस सर्वान्वय होना है सभी का। पंचशीर्षाहिना, पांच फन वाला एक सांप है, पांच फन क्या है, प्राण अपान उदान समान व्यान रूपी पंच प्राण जो वृत्तियां है उस युक्त महाप्राण रूप सांप है, और इतना बलवान है यही 24 घंटा बुद्धि सोती हुई तो जगा रहता है। कृष्ण ने यही पूछा ना, सब सो जाए तो खुद जगा रहता है, अरे प्राण जगा रहता है, बुद्धि भी सोती रहती है सेठानी, फिर भी वो जगा रहता है, ऐसा जबरदस्त नौकर कहां मिलेगा, 24 घंटा काम कर रहा है, देखभाल करता है पंच प्राण रूपी, पंच जो है उसका सिर के द्वारा यह महाप्राण रूपी सर्प प्रतिहारेण गुप्ता, प्रतिहारेण गुप्ताम, प्रतिहार में पालकेन गुप्ता, एतादृश पालक के द्वारा सुरक्षित है वो बुद्धि रूपी तत्व। और बुद्धि कर क्या रही है संसार रूपी जंगल में आकर के शरीर के अंदर आके, ऋषभम, एक ऋषभ को ढूंढ रही है, बुद्धि रूपी गाय अहंकार में सांड की खोज में लगी हुई है, कोई मिल जाए, सांड मिले गाय तो ही देखती है ना, ऐसे यह बुद्धि रूपी गाय अहंकार में सांड को ढूंढ रही है, काम रूपिणी, क्यों उसके अभी तो गर्मा रही है ना, इसीलिए काम रूपिणी कामना है, जैसे गाय होती है भाई, गाय के तो यही कहते ना गर्मा गई है, यही तो भाषा होती है तो वही भाषा समझो, ये बुद्धि के अंदर भी जो है कामना जो है इतनी भयंकर जग चुका है वो, इसलिए चाह रही है। और कैसी है वो, उसको पति निश्चित है नहीं, पहले से अप्रौढ़ प्रकृष्ट ऊपर ऊढ़ा नहीं है, किसी ने पहले से इसका साथ विवाह किया नहीं, ऊढ़ा हमने वहन कर लिया गया, विवाह जिसका हो गया वह ऊढ़ हो गया, ऊढ़ा कहा जाता है उसको, प्रौढ़ा मैंने प्रकृष्ट रूप में वहन कर लिया गया, जैसे द्रौपदी पांच लोगों ने जो ढो लिया उसको, पांच लोगों ने उसके ठेकेदार हो गए, मतलब प्रौढ़ा हो गई, और यह अप्रौढ़ा है, ये कैसी है अप्रौढ़ा, किसी ने भी प्रकृष्ट रूप से इसका विवाह इसके साथ किया नहीं है,
सुनासाम सुदतीं बालाम सुकपोलाम वरारणाम समविन्यस्त कर्णाभ्याम विप्रतिं कुंडलश्रियम। ये सब क्या है? वो गंध ज्ञान आदि बुद्धि के अवयवों को गिना रही है। ये बुद्धि के ही अवयवों को गिना रहे। मन में जो वासना है वो काम रूपा है। अप्रवणा का मतलब क्या? लालच है, वो चाह रही है। जैसे सड़क में घूमती हुई लड़कियां क्या है, जो भी जवान दिखाए दे उसे उम्र 2-4 साल बढ़ा, उसी को अपना पति मानना चालू कर देती है। दिखाई जो भी हर रोज उसकी पति बदलते, इसीलिए तो मानसपति मानसपति आप बदलते रहेंगे ना। जब तक तय ना हो जाए अमुक से ही शादी, तब तक उसके भी दिमाग ऐसा, लड़कों का भी दिमाग वैसे ही है। यही संसार चलता है, ऐसे ही चलता है संसार। इसे कहते हैं अप्रवणा काम रूपिणी। सब चीजों को किसमें लगाना है? नीचे टीका में कह दिया, गंध ज्ञान आदि बुद्धि अवयव ही सुनासत्व आदि निरूप्य दे। सुनासा मैंने गंध ज्ञान, सुनते मुझे रस इंद्रिय को बता दिया रस ज्ञान, बालाम से बल संबंधी हाथ का ज्ञान कर्म इंद्रिय लेना, सुखपोलाम से सौंदर्य संबंधी स्पर्श ज्ञान चरम से लेन देन लेना है चरम ज्ञान, वरान नाम चक्षुरादि ज्ञान, समविन्यस्त कर्णाभ्याम श्रोत्र ज्ञान, विभ्रतिम कुंडल श्रियम धारण के कुंडल के रूपी शोभा युक्त उन सुंदर कर्णों के द्वारा सम्यक प्रकार से जो विन्यस्त है। इस प्रकार से तत्व इंद्रियों के ज्ञान को इन शब्दों के द्वारा नाक का अधिकार लक्षित किया जा रहा है। नाक से ग्रहण इंद्रिय हो गया, दांतों से रस इंद्रिय संबंध बता दिया, ऐसे करके सब प्रत्येक चीजों को उसके अलग कोई को इंद्रिय को लक्षित किया जा रहा है। अतएव इन सब इंद्रियों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा वो भी और सुंदरता को प्राप्त हो गई है। जितनी इंद्रियां प्रवृत्त होती है और इंद्रियों के जितना ज्ञान आपको मिलता है उतनी ही आपके अंदर वासनाएं बढ़ती है। मेरा कि थोड़े बढ़े, हाँ इन साथ विवेक हो जाए तो मेरा आगे बढ़ता है। अविवेक कैसे मैं स्वाध्याय से, और स्वाध्याय का मामला है नहीं, ये तो अभी बुद्धि और जीवन का संयोग होना बाकी है। वो संयोग का बता रहा है, अब बुद्धि प्रकट हुई है और उसमें चैतन्य का आवास जीव का संबंध होना है। अभी हुआ नहीं, होने के बाद में विवेक होगा। तब तक तो पूर्व कर्मानुसार बुद्धि में क्या रहा है, विभिन्न इंद्रियों के विषय का स्मरण आकर ये वासना है चक्र के काम रूपी वो हो गई है। पिशिंग नीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनक मेखलां पद्भ्यां क्वणद्भ्यां चलतीं नूपुरैर्देवताम् इव। पिशंगनीवी उसका जो है जनेन्द्रिय होने से संबंध है, सुश्रोणी गुदाइंद्रिय, इसलिए आगे पीछे के लिए दो शब्द अलग अलग प्रयोग कर दिया। श्यामाम कर दिया, अन्नमय निस्सौम्य मना, मन को कहा अन्नमय है, और उसमें भी शुक्ल कृष्ण और रक्त भाग्य है ना चांदव्य परिषद, उसको कह रहे हैं यद कृष्णम तदल नस्य, जो कृष्ण रूप है वही अन्न का काम है। इतने श्रुति के अनुसार जो है श्यामाम इत्युक्तम, उस श्रुति के आधार पर यह श्यामा का जो मन मनस्विनी भी हो गई है। अब लाया मन को अलग से, मनस्विनी है वो। कनक मेखलाम तटी प्रदेश जो है कनक रूपी मेखला को धारण किया हुआ है, इससे जो उत्तराग्नि को प्रकट कर ना, ये आपके जो है मेखला कहां पहनते, स्वर्ण में मेखला को कटी प्रदेश में, कटी के समीप वस्तु हो गया, उधर उधर अस्तग्नि को प्रकट कर दिया, प्रतापरे लक्षित कर दिया। पद्भ्याम क्वणद्भ्याम चलती, पैर उपाइंद्र को बता दिया, नूपुरैर देवताम इव, देवताओं के समान चलती हुई इन इंद्रियों का, सारे इंद्रियों की जो वृत्तियों को यहां गिना रहे केवल इन शब्दों के द्वारा। और हृदय में जाना है भी मन का स्थान, उसके लिए स्थान व्यंजित कई शोर संवृत्त निरंतर वस्त्रांत निगुहती व्रीड़या गज गामिनी। स्थान व्यंजित कई शोर, स्थान भी ऐसा जिसकी किशोर अवस्था यौवन का उपक्रम आरंभ की अवस्था दिखा रहा है, प्रकट हो रहा है। समोच वृत्त और समान है, वृत्त भी है गोलाकार निरंतर अव्यवहित भी है, सुस्पष्ट है कहने का तात्पर्य। इससे क्या है, मन बिल्कुल इस समय कैसा है, जब जन्म लेता है मन तो स्वच्छ रहता है, बच्चे का जन्म भी होता है आप देखो मन इस बिल्कुल साफ है, कोई प्रिंट अभी पड़ा नहीं उसके अंदर,
है ना, बाद में धीरे धीरे उसको सिखाया जाता है, ऐसा बोलो, ऐसा करो, वैसा करो, झूठ बोला, छल कप सारे सिखा देते। सबसे पहला गलत काम माता पिता कर देते हैं, जिसको हम लोग अपना भगवान मानते और वही सिखाते सबसे पहले झूठ बोलना, तेरा बोलना उधर जाए आदमी को पिताजी नहीं है बोलना, और क्या झूठी तो है ये, अंदर बैठे हुए हैं और उधर भेज दिया बच्चे को बोलने के लिए, और सीधा बोला बच्चा तो बोलिए तो बोल रहा है पिताजी नहीं, किसने बोला पिताजी बोल रहे पिताजी नहीं है, हम क्या करें, सीधे साधे होते हैं बच्चे बोल देते हैं पिताजी बोल रहे हैं पिताजी नहीं है, हम क्या करें, इसने चाहिए यार ये जरा हंस उसकी चला जाए क्या करेगा। तो इसलिए यहाँ पर उस स्थिति को, उस प्राथमिक स्थिति है ना, ये अभी संबंध हुआ नहीं है, तो केवल पूरे जन जन्मांतर को पहले कहा था कर्म वजह से शरीर प्राप्त होता है, कहा था ना पहले कर्माधीन होकर शरीर को प्राप्त करता है, अतः कर्म ही इंद्रियों के विषय को स्मरण करा करके वासना को पैदा कर रहा है, वैसे अपने आप में मन आदि समय क्या है सच नहीं, कोई विषय के साथ संबंध भी हुआ ही नहीं है। वस्त्रांते निहूहंतीया गज गामिनी, वस्त्रांते ना एक वस्त्र टुकड़े के द्वारा मानो उसको छिपाती हुई है वो लज्जा के साथ, और जैसे हाथी हथनी का चाल में चल रही है, अर्थात फंसाने के चाल है, ये है फंसाने के चाल में चलती है, उसको देखकर अब कहां तक चुप रहता है देवता भी है, चुप रह सकता है, एक दिन दो दिन देखता है, मेरे अंत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध जोड़ने की चेष्टा करता है ना, इसने भी क्या किया, तामा ललिता अम्बीर शरीर स्मृत शोभना पांग पुंखे न स्पृष्ट प्रेमो भ्रम ध्रुवा ताम आह ललितम वाचा, ताम आह उस देवी से बुद्धि से कहता है, वीर कौन है, वीर पुरुष है, अहंकार साधारण आदमी नहीं, इसे तो उसको कोई परास्त नहीं कर पा रहा है, अहंकार को बड़े बड़े महात्म प्रयास नहीं कर पा रहे, अपने आप को बड़ा शरत्र कनिष्ठ बनते, बड़े मंडलेश्वर बनते, शंकराचार्य बनते, क्या क्या बनते, और जो है वो पसंद नहीं उनको, थोड़ा आसन ऊपर नीचे हो जाए तो नाराज हो जाए, काम के अहंकार टूटा है, अहंकार भरा पड़ा हुआ है, अब महावीर है सगरे वीर है स्वीड स्मृत शोभनाम, और व्रीडा लज्जा और मुस्कान संयुक्त सुंदर मुख वाली उस बुद्धि से उसने कहा, ललितम वाचा उक्तवान आगे होगा, वो कैसी है और क्या कर रही है, स्निग्धेन अपांग पुंखेन प्रेम से युक्त, अपांग किसको कहते हैं, जिसके सारे अंग नष्ट हो चुके हैं, जिसको कोई अंग सके अंग के बिना ही आ जाने वाला है, काम देवता, काम देवता जब व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है उसको हाथ पर रोक लेता है क्या, तो समझ में नहीं आता कैसे घुस गया, साफ गड़बड़ हो जाने के बाद अकल आता, अरे तो क्या हो गया, बहुत बार में अकल आता है, ऐसा घुसता है कि उस घाट पर है नहीं, तो पकड़ लेते पहले से वो आता हो, अपांग पुंखेर अर्थात अपांग रूपी काम रूपी बाण से युक्त होकर, काम बाण रूपी प्रेम से, प्रेम और भ्रमण भ्रवा प्रेम से उस भ्रमण करते हुए भोग है जिसका, ऐसी ही उस देवी के साथ वैसे ऐसे द्वारा इधर द्वारा जो लज्जित होकर चलती हुई आई हुई है उससे उसने कहा, कातम कंज पलाशाक्षी कस्यासी कुतः सती इमाम उपपुरी भीरु किंच कीर्षसी संसमय, अपांग पुंखो मूल प्रांत राक्षसी बाण से तेल स्पृष्ट विद्या उससे विद्ध हो चुका है, कौन वह पुरंजन, पुरंजन की कथा चलू, पुरंजन है या वो अहंकार है, वो जीवात्मा है, जीव भाव को प्राप्त करना है उसे, तो वो जो उसी ने कहा उसी का हालत ये हो रखा है, उसके द्वारा आहा उससे पीड़ित होकर के ही वीर आहा प्रेमा उच्चीर भ्रमंती भ्रूह धनुष पा लिया है यस तेना उसके द्वारा छोड़ा गया उस बाण से पीड़ित हुआ यह वीर ने उस देवी से कहा, क्या कहा, तुम कौन हो, कहा तुम हे कंज पराशाक्षी हे कमल नयनी, है ना हे कमल नयनी तुम कौन हो बताओ, कस्यासी तुम किसकी बेटी हो,
यह कुतः सती, तुम कहां से आई हो हे सती? संबोधन है भी इमा उपपुरीं भेरु, और यह पृथ्वी रूपी पुरी के ऊपर खड़ा हुआ शरीर रूपी उपपुरी, शरीर क्या है? उपपुरी है, पृथ्वी पुरी है, पृथ्वी रूपी पुरी पर उसके समीप में उसे कार्य रूपेण पांच भौतिक कार्य रूपेण विद्यमान इस शरीर रूपी उपपुरी के अंदर तू कैसे आई, कहां से आई? इमाम उपपुरीं भीरो किंच कीर्षसि संसमय, और दूसरी बात हे भीरो किंच कीर्षसि, तुम क्या करना चाहती हो यहां? मुझे कुछ बता सकती हो तो बताओ। बायोडेटा पूछ रहा, आजकल की भाषा में जो है शादी करने के लड़की की बायोडेटा पूछी जाती है, कौन सी जात है, कौन सा गोत्र है, कौन सी जो है घर की है ना, कैसी खानदान की है, कितनी पढ़ी लिखी है, पूछते नहीं पूछते आजकल लड़की वाले लड़कों के बारे में, लड़के वाले लड़की के बारे में पूछते, सब जानकारी लेते हैं फिर भी ठगे जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। पंडित लोग ऐसे दुनिया भर के पैदा हो रखे जो डुप्लीकेट कुंडली बना के दे देते, क्या करोगे? डुप्लीकेट कुंडली बना के दे दिया, अब मंगली है अमंगलिक बनाकर कुंडली बना दे दिया उसने, क्या करो? अब मिलान करो, लड़के वाले मिलान करते, अरे 27 गुण मिल रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई मंगली दोष नहीं, कुछ भी दोष नहीं, इतना बढ़िया कुंडली है, राजयोग गजकेश्वरी योग सब बना देंगे, पंडित लोग एक्सपर्ट है, सबके 10 रुपये बना देते कुंडली डुप्लीकेट, और लोग सोचेंगे हाँ अब ग्रह लक्ष्मी बहुत बढ़िया आ रही है, यह है कि तो गुप्त धन पूरा हो जाएगा घर में, घर आने के बाद 4 दिन बाद लड़ाई छल हो जाती है, इनकी असली कुंडली तो दूसरी है उसकी, इसलिए यहाँ भी पूछ रहा है तेरी कुंडली क्या है बता, असली नकली जो भी है कुछ तो कहानी बता, तेरा बाप कौन कहाँ से है, कौन सी गोत्र की है, कैसे तेरे संबंध करें हम, है सब पूछताछ कर रहा है। एकादश महाभटा सुभ्रूहर, अरे कौन है जो तेरे पीछे 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 चल रहे हैं 11 लोग महाभट, एक जो भयंकर लग रहे हैं मेरे, सारी इंद्रिया 11 इंद्रिया एकादश बोले तो मन सहित ले लिया दिया, एकादश महाभटा कौते अनुपता, तेरा पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं जो सुभ्रु कोयम त्यही, हे सुभ्रु सुभ्रु ललना, और ये जो दिव्या वृत्तियां दुनिया भर की जो वृत्तियां ललना इसे सीलिंग ब्रेक कर दिया, ये जो वृत्तियां हैं ये सब तुम्हारी जो आई हुई है ये कौन है, और कोयम ये कौन है जो पंच प्राण रूप उसको रूप धारण करके रहने वाला महाप्राण रूपी जो सर्प है जो तुम्हारे आगे पीछे चारों तरफ घूमता फिरता संभालता हुआ चल रहा है और आगे आगे बिल्कुल रेडी रहता है हमेशा तैयार है, पुरसरा तेही कोयम ये कौन है? तुम रीर भवान्यस्य भवाग्र रमापतिम विचिन्वती विचिन्वती किम मुनिवत रहोवने तुदंग्री कामाप्त समस्त कामम वापद कोश पति तक कराग्रा, करे तुम ही भवानी असी, अरे क्या लज्जा करते तुम, भवानी तो नहीं है जो अपनी पति को चयन करता ढूंढती हुई शंकर भगवान को ढूंढती हुई तो नहीं चल रही है, या तुम वाणी सरस्वती तो नहीं जो अपने उसको पैदा करने वाला ब्रह्मा जी को खोजती हुई तो नहीं घूम रही है, या तुम रमा तो नहीं हो लक्ष्मी जो अपने पतिदेव विष्णु को जो खोजती हुई घूम रही है यहाँ, किम मुनिवत रहो वने मुनि के समान तुम इस रहस्यपूर्ण संसार रूप के अंदर शरीर रूपी इस जंगल में तुम क्यों घूम रही अकेली? तद्वंग्रित कामाप्त समस्त कामम, कि मैं नहीं समझ रहा हूं तुम जो साक्षात तो लक्ष्मी है, निश्चित रूप से तुम साक्षात लक्ष्मी हो, जिसलिए तुम्हारी चरण कमल को प्राप्त करके ही समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ये सारी दुनिया के लोग, लगता है तेरे हाथ से वह कमल कहीं गिर गया होगा। पद्म कोश पतिता कराग्राम, वह पद्म कोश तुम्हारे कराग्र से कहां गिर गया? नासा वरो वन्यतमा भूस्पति
वीरवरेण साकम् अरहस्यलङ्कर्तम् अध प्रकर्मणा लोकम् परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा। जब वो बोल नहीं रही है, कहा भाई मैं शिव जी को ढूंढते आई हूँ या ब्रह्मा जी को या विष्णु को, तो ये भी समझ गया इसका मतलब इसका कोई नहीं आगे पीछे, तब प्रस्ताव रखता है फिर तो मेरे से ही शादी कर लो। कहता है हे वरोरो, सुंदर है उरु प्रदेश जिसका, हे वरोरो आसाम अन्यतमान भविष्प्रिक, आसाम इन सभी में तुम अन्यतमा नहीं हो सकती हो, इन्हीं में से एक तुम हो ऐसा हम नहीं कर सकते, तुम तो विलक्षण हो सबसे, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य तो तीनों लोकों को स्पर्श करने वाला है। पुरी विमान वीर वरेण साकम, वीरवर अपराध को बोल रहा है क्या, मुझ जैसा वीरवर के साथ इस पुरी में आनंद करो। रहस्य अलंकृत तुम, और कह रहे हैं तुम मेरे से अलंकृत होने योग्य हो, यदि कहेगी मैं तुमको क्यों अलंकरण करूं, क्यों वर्ण करूं, तेरे अंदर क्या योग्यता है, पूछेंगे ना आजकल लड़कियां, तो खूब इंटरव्यू लेती है लड़कियां भी आजकल, लड़कों को जमाना गया, आजकल शहर की लड़कियां तो लड़कों की खूब परेड ले लेते हैं, लड़का डरपोक को कहते लड़की को घबरा जाएगा, ऐसी ऐसी बातें पूछती है कि हालत खराब। आपने सिनेमा नहीं देखा तो क्या देखा, बोलती है कमाल क्या है, अरे सीधा साधा लड़का बेचारा पढ़ता है तरह है, एमबीए डीबीए कर रखा है, दुनिया भर डिग्रिया पाया है, वो थोड़ी सिनेमा देखा, और लड़की पूछती तूने सिनेमा नहीं देखा, क्या देखा है, क्या दुनिया आपने देखा, आपसे क्या शादी करूंगी, किसने भी कहा फिर जवाब में, तुमने डिग्री ही नहीं पाई क्या, सिनेमाएं देखी है, तुम्हें सिनेमा किस हो जाता, हमसे क्या मतलब है तुम्हारा, ये ना जवाब हुई ना ढंग का, हाँ वो भी समझ गए, हाँ संभल गई, नहीं नहीं मैं ऐसे देख रहे थे कि आपके अंदर ऐसा, आप भी सिनेमा के रसिक तो नहीं है, मैं भी देख रहा हूँ तो हीरोइन तो नहीं बनना चाह रही है, इसने भी जवाब दिया। मैंने कहा अरे वाह क्या कमाल लड़का लड़की है, और दोनों का शादी में मेरे पास सुना रहे थे, ऐसे ऐसा उन्होंने आपस में इंटरव्यू लिया था। मैंने कहा अच्छा तभी तो हमें ज्ञान हो रहे, तो हमें कहाँ से ज्ञान होता, वो दोनों आपस में कैसे इंटरव्यू लिए, वो शादी करने के मेरे को आके बता रहे, मैंने कहा ऐसे हमने इससे पूछा कि इसने हमसे हमसे पूछा, ये जवाब भी अच्छी बात है भाई, ये मॉडर्न युग के बारे में हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसी इंटरव्यू चल रहा है, एक तरह से अनादिकाल चरित परंपरा है, देख लो जीव और बुद्धि जब आध्यात्मिक जीव भाव को प्राप्त कर रहा है, अहंकार के साथ कैसे संबंध करता है, किस प्रकार से जीव भाव में आया है वो स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये सब वैराग्य अर्थ, इसलिए ऐसे जंजाल में फंसा नहीं है, वैराग्य के लिए बात कर रहे हैं, इस बुद्धि और अहंकार जो पति पत्र भाव को प्राप्त कर रहे हैं यहाँ और शरीर में रहकर विषयों को उपभोग करने जा रहे हैं, यह अनुचित है, ये समझाने के लिए सारी कथा है। और शरण गर्तुम अदभ्र कर्मणा लोकम परम श्रीरिव यज्ञ पुंसा, और शरण गर्तुम तुम मुझे अलंकृत कर लेने योग्य हो, क्यों, क्योंकि भाई आपका कर्म है, आपका क्या है अक्रिय निष्क्रिय अकर्मा हो, मैं तो चंचला हूं, दुनिया कर्म करना चाहती हूँ, वह विषयों को भोगना चाहती हूँ, और आप तो कुछ नहीं करना चाहते, तुम्हारा हमारा कैसे जोड़ा बैठेगा, तो वो कहते चिंता मत करो, तेरे कर्मों के माध्यम से मैं भी कर्मवान हो जाऊंगा, तेरे संगी ऐसा है ना, माया का संग करो तो अपने सारा छल कपट में जाल में फंस ही जाएगा वो, इसे तो अधर्म कर्मणा जिस प्रकार दृष्टांत दे रहे शरीर व यज्ञ पुंसा, इसे लक्ष्मी उस यज्ञ पुरुष विष्णु के साथ शादी कर लिया, उसके बाद वह विष्णु भी विभिन्न अवतार लेने लग गए, क्या करेगा वो, पत्नी आ गई ना, पत्नी आ गई तो पत्नी को लेकर सारा खेल रचना चालू हो गया, उसका भी संतान हुए, विभिन्न अवतार लेना पड़ा संसार संपन्न, अगर सन्यासी हो तो सनत कुमार आदि के जैसे काम को अवतार लेना पड़ता, ये हो नहीं सकता है ना, इसलिए कहते हैं श्रीरिवज पुंसा, नीचे दिया टीकाकार स्पष्ट रूप में ना इस बात को, वो कह रही है अदभ्रम गदे भाई वीर वरेण मया, वो वीर वर मेरे साथ विवाह करके इस श्री रूपी पुरी के अंदर आनंद लो, तो कहते तुम तो अकर्मा खतम तो अलंकरोमि,
तुम तो अकर्मा हो, तेरे साथ मैं कहां अलंकृत हो सकती हूँ, मैं तो सकर्मा हूं। तब कहता है अदभ्रम अनर्पम कर्म तत्संगात यस्य मम, कि तुम्हारे संग से ही मैं भी अनंत कर्म वाला हो जाऊंगा, अनल्प कर्म वाला हो जाऊंगा। स्वतः कर्मत्र तत्संगा सकर्मा भवान तीर्थ, स्वतः भले असंग हो लेकिन तेरे संग के कारण से सकर्मा हो जाऊंगा, जैसे विष्णु हो गए तद्वत। यदेश मा अपांग विखंडितेन्द्रियम सवृढ भावस्मित विभ्रम ध्रुवा ध्रुवा तयोपसृष्टो भगवान मनोभव प्रबाधते अतानुग्रहाण शोभने। यदेश मा अपांग विखंडितेन्द्रियम, मामले माम मुझको तुमने क्या कर दिया, अपांग विखंडितेन्द्रियम माम काम वासना से विखंडित इंद्रियों वाला सामर्थ्य वाला मैं हो गया हूं। तुमने अपने दृष्टि रूपी बाण के द्वारा, प्रेम दृष्टि रूपी बाण के द्वारा मेरे अंदर काम वासना को जगा करके मेरे भी सामर्थ्य को विखंडित कर दिया है। यदेश मा अपांग विखंडित इंद्रियम संवृण भाव अस्मित विभ्रम भ्रुवा, कैसे तुमने किया है, वो भी लज्जा युक्त भावों से युक्त मुस्कान से युक्त भ्रमण करता हुआ भवों के द्वारा तुमने मेरे अंदर अपने कामरूप को जगा दिया है। इसे थोड़ा उपसृष्ट होस्मी यस्मात् अपांगं विखंडितम् इंद्रियम् मनो, इंद्रिय कौन है, मन विखंडित हो गया, मैंने अहंकार का असत अहंकार अपना मन को मान रहा है तो उसका साथ उसका वो संबंध है। अतएव कहता यस्य तम मां मनोभव बाधते, इसलिए मन में जो उत्पन्न हुआ जो ये सारी वासनाएं हैं ये मेरे को बाधित करते हैं, मनोभव प्रबाधते। इति त्वया उपसृष्ट सन् मनोभव प्रबाधते अतः अनुग्रहाण शोभने, हे शोभने अतः अनुग्रहाण, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। अच्छा अब वो भी कहती है तदारनम सुभ्रु सुतार लोचनम व्यालंबिनी लालक वृंद संवृतम उन्नियमे दर्शय वल्गोवाचकम ये व्रीडया नाभिमुखम शुचिस्मित है, हे शुचिस्मित है संबोधन है, हे शुचिस्मित है, हे सुंदर मुस्कान वाली शुभ्र शोभन निश्चल निष्कपट मुस्कान वाली तदारणम, हे सुभु एक और संबोधन सुंदर भवो वाली, ये व्रीडया सन्मुखम न भवती लज्जा के बारे तुम मेरे सम्मुख नहीं हो रही हो, वो उधर मुख को खड़ी होकर के खड़ी है ना, अभी सम्मुख हुई नहीं है, जैसे जो है बिहारी घूंघट के अंदर उधर मुख करके खड़ी रहती है वैसे ही उधर मुख करके बैठी। अरे थोड़ा हमारे तो घूम के तो देखो है? कहता है इसीलिए देखो हे सुब्रो तत् आनंदम, उस आनंद को दर्शय मैं दर्शया, उस चेहरा को मुझे दिखाओ जो कैसा चेहरा सुतार लोचना जहां सूर्य चंद्रमा ही तुम्हारे आंखें हुए हों, व्यालंबिनी व्यालंबी नील अलग रंग संवृतम लंबे लंबे पूर्ण काले रंग के बालों से युक्त बाल का झुंड से युक्त जो है संवृत ढका हुआ सा हो गया है तुम्हारा चेहरा, उन्नीय ऐसे चेहरा वो झुकी मुड़ी नहीं है तो सारे बाल भी सामने आ गए हैं तो चार दिन से ढक गया चेहरा, इसलिए कहता है उन्नीय में दर्शया अपना सिर उठाओ बालों को पीछे करो अपना सुंदर चेहरा का दर्शन दो। वर्गवाचकम यद वीड़या नाभिमुखम करे जो वीड़या लिया लज्जा के कारण से नाभिमुखम तुम अभिमुख नहीं हो रही हो ना, इसलिए तुम अब मेरे सामने हो जाओ अभिमुख हो जाओ, क्योंकि दर्पण जब अभिमुख नहीं तो प्रतिमा कहां से पड़ेगा, बुद्धि अभिमुख होना जरूरी है ना, जब तक बुद्धि अभिमुख ना हो तब तक चिदाभास का प्रतिबिंब पड़ेगा नहीं चित्त का, तो जीव कहां से आएगा,
इसीलिए वह कारण ब्रह्म जो है बुद्धिविकार को पैदा किया और बुद्धिविकार का अपने विमुख करने की चेष्टा कर रहा है ताकि सर प्रति पड़ के जीव भाव संपन्न हो जाए। नारदवाच विश्व नारद जी कहते इतम पुरंजन नारी ऊपर 26वें श्लोक में ये कहा नहीं है पुरंजन वाचा करके इन समझना चाहिए 26 से लेकर 31 तक पूरा का पूरा पुरंजन ने कहा था का तुम कंच पला साक्षी पूछा था ना वहां से पुरंजन का वचन थे इसलिए दोबारा नारद वाचा आया है। तो इतम पुरंजनम नारी याचमानम अधीरवत सा नारी वह नारी जो बुद्धि है इस प्रकार से याचना करता हो पुरंजन को अधीर के समान अविवेकी के समान अधीरवत इसलिए कह दिया अज्ञान वशात इस तरह की याचना होती है अविवेक के वजह से याचना करता हो उस पुरंजन को देखकर तम वीरम उस वीर को सा हसंती नारी वीर मोहित आ लेकिन वो भी उस वीर से मोहित हो चुकी तभी तो भी वो घूम रही बात करने को तैयार हो गई तम वीर मोहिता सा नारी असंती अभ्यनंदत अभिनंदन करने लगे वाह बहुत अच्छा काम हो गया आप भी चाहने लगे हम तो चाहते ही हैं तो काम तो हो गया नविदाम वयम सम्यक कर्तारम पुरुष ऋषभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रम नाम च यत् कृतम पहला प्रश्न का जवाब है का तुम कंज पलाशा तुम कौन हो कदा मैं अपने बाप को जानती नहीं तो मैं कैसे बताऊं मैं कौन हूं नविदाम वयम सम्यक मैं सम्यक प्रकार से जानती नहीं हूं किसको नहीं जानती हो कर्तारं हे पुरुष ऋषभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ जीव बनने को तैयार तुम सुनो भाई मैं तो जानता ही नहीं मुझे किसने पैदा किया आत्मनश्च पुरुष्यापि केवल मेरे को कौन पैदा किया मैं नहीं जानती भाई नहीं पुरुष्यापि दूसरे का भी मैं तुम्हारा भी तुमको कौन पैदा किया ये भी तुम नहीं जानते ना मैं जान कौन जान गोत्रम नाम चयत कृतम गोत्र भी मैं नहीं जानती हूँ मैं अपने नाम तक नहीं जानती मेरा नाम क्या है भवती तंच नविद्मः मेरा गोत्र क्या है मेरा नाम क्या है मेरा कर्ता कौन है यह मैं नहीं जानती मम परस्य मने तवापि तुम्हारा भी बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ ना आप जानती होंगे यह अत्यसंतम आत्मानम इतना जानती हो अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ बस इस शरीर में मैं अपने आप प्रकाशित हो रही हूँ इसलिए मैं समझ रही हूँ मैं यहाँ हूँ बस इतना उसे पूछे ना कश्यासी उसका भी जवाब हो गया कब तुम उसका जवाब मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ किसका बेटी हूँ ये मैं नहीं जानती मेरा रचना करने वाले को बेरे मैं नहीं जानती कुतः सती उसका जवाब दे रही है अभी यह दिशंतमात्मानम विधामान तदा परम ये नयम निर्मिता वीर पुरी शरणम आत्मनः कहते हैं यह अद्य इस समय इस शरीर में आत्मानम संतम विदाम मैं अपने आप को यहाँ पर खड़ी हूँ इतने मैं जान रही हूँ मैं कहाँ से यहाँ आ गई मैं नहीं जानती यहाँ हूँ बस इतना मालूम कई होता है ना कई बार लोग मंत्र मंत्र पढ़ा के या गुजरा को फेंक दिया तंत्र मंत्र कर दी फंसा दिया और पीछे पीछे चल रहे हैं आप पहुंच गए बहुत घंटों के बाद के जादू जब असर खत्म हो जाए और आप देखते हैं मैं कहाँ हूं मैं यहाँ कैसे आ गया पता ही नहीं चला। उसी प्रकार यहाँ पर किसने इसको शरीर में भेजा है कैसे वो आई वो स्वयं नहीं जानती ये नियम निर्मित अवीर जिसके द्वारा हे वीरा इस आत्मना ये निर्मित यम पुरी आत्मना शरणम मेरे इस मेरा आश्रय रूपा इस नगरी को किसके द्वारा निर्माण किया गया वो भी मैं नहीं जानती इस शरीर रूपी मकान भी किसने बनाया वो मैं नहीं जानती
एते सकाय सख्यो मे मरण नार्यश्च मानद सुप्ताया मयि जागर्ति नागो अयम पालयन पुरी। स्पष्ट आ गया ना यार, मैं सो भी जाती हूँ ना तो भी इस पुरी को पालन करते रहता ये प्राण रूपी सांप। ये जो नाग देवता है जिसको तो पंच फण वाला नाग बोला वो जगा रहता है। ये ते सखाय सख्यो मे, ये सारी सखाय सख्या में नरा नार्यश्च हे मानद संबोधन, हे मानद संबोधन नहीं यहाँ पर। ये पृष्ठम कहते पूछा था ये कौन है तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे जो किम चिकित्सा उसके बारे बोल दिया इमाम उपपुरी भीरु किम चिकित्सा सी, उसके जवाब दे शरीर में कैसा है मैं नहीं जानती, शरीर का निर्माता कौन है ये नहीं जानता, और मैं क्या करना चाहती हूँ इतना ही अभी जान रही हूँ। क्या जान रही हूँ, बस आप मिल गए अब बाकी काम होना बाकी, यही जानती ढूंढ रही थी कोई सहयोगी मिल जाए साथी मिल जाए, आप मिल गए। और ये कौन है ये थे पूछा था कई थे ने पता ये थे एकादश उसके बारे में बोल रही ये थे सकाय सत्य मे नरा नारिश्च, ये नर और नारी के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं इंद्रियो इंद्रियवृत्तिया, इंद्रियों को नर कर दिया वृत्तियों को नारी कर दिया, इसे सखाया सख्या दोनों प्रयोग कर रहे हैं, सखाया पुल्लिंग सख्य बहुवचन दोनों प्रथमा के नराह सखाय नार्यश्च सख्य हे मानद, ये सब एते ये मेरे ही है, ये कौन है पूछ रहे हो ये मेरे है, इसलिए मेरे से शादी करोगे सब तुम्हारे चेले हो जाएंगे, पहले कहते हो अब आपके की सेवा में लग जाएंगे, जो मेरे हैं वो आपके हो जाएंगे स्वाभाविक है, आपकी सेवा में सारी इंद्रिया अपने वृत्तियों में से आपकी सेवा में लग जाएंगे। सुप्ताया मई जागरती, और मैं सो भी जाऊंगी ना तो भी नागोयम पालयन पुरीम जागरती, यह जो पंचमुखी नाग है ये इस नरपुरी को पालन करते हुए जगी रहता जगा रहता है। दृष्टियागत भद्रं दे ग्राम्यान कामान अभी सहे उद्भिष्याम तास्ते हम स्वबंधु भी अरिंदम, कह दिया मैं आपसे शादी कर लूंगी उद्भिष्याम उद्वान करने को मैं तैयार हूं। दृष्टियागत मेरे परम सौभाग्य से आप भी इधर पहुंच गए हो, इसी नगरी में आप भी मेरे ही भाग्य से पहुंचे समझ रहा हूं। ते ग्राम्यान कामान अभिप्सिसे, इसलिए आपके साथ मिलकर मैं अपनी जो ग्राम्य काम है मैंने गारस्थ धर्म है वो मैं विषय उपभोग उसको मैं चाहती हूँ। किम चिकित्सित का जवाब मैं ग्राम्यान कामान अभिप्सिसे अर्थात विषय भोग का इच्छा कर से दूसरे के लिए, आप भी चाहते हैं ना वो भी चाह रहे हैं ये भी चाह रहे हैं दोनों तरफ से, अतएव ते हम उद्वेशान इसलिए मैं आपका उद्वान करूंगी। स्वबंधु भीर तान तांस्ते हम तांस्ते अहम ऐसे ना तांस्ते अहम ऐसे स्वबंधु भी अरिंदमा हे अरिंदमा हरियों का दमन करने में समर्थ आप के साथ मैं जो है इन सब के सहित स्वबंधु भी मेरे बंधु कौन है ये जो ग्यारह इंद्रिया और उनकी जो वृत्तियां है इन सब के सहित मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अरिंदमा शत्रु का दमन करने में समर्थ, अरे विषय भोग में जो अवरोधी बने उसको तो भगा देंगे ना, हर हर आदमी तरह समर्थ तो ही है, आज दुनिया में कौन कम है, आप भी जो है कोई आप में आपको रोके पर्ची आपके पास हो और आप विषय भोग करना चाह रहे भंडारा का उपभोग करना चाह रहे हैं रोके तो सही आप लड़ जाओगे है, सरकार को निमंत्रण दिया ऐसे थोड़ी अरे बेचे दी लड़ाई हो जाएगी वहां पर, आपने जो अपने विषय भोग का विरोध जो भी है उसको किनारा कर दे कि नहीं कर दे, और घुस जाते हो हमारा अधिकार है हम पाएंगे छोड़ेंगे नहीं, उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहा है कि भाई अब सारे तो अरिंदम तो है ही हो जो विषय चाहो भोगने के लिए कौन रोक सकता है, ऐसा अहंकार तो सबके पास है।
इमांतं मदि तिष्ठस्म पुरीं नवमुखी विभो मयोपनीतां गृह्णार काम भोगान शतं समाः। इस स्पर्श से पुरुष करता ही रहता है, भोग भोगता नहीं है, वो भोगता क्या है, करता कुछ नहीं। सांख्य सिद्धांत यहाँ पर एक तरह से शुरू में दर्शा रहे वेदांत की ओर ले जाने के लिए। पुरुष क्या है, वो क्या कर रही है, आप चुपचाप बैठे रही है, आपको कुछ करना नहीं। मैं सब लाती हूँ माल टाल, मेरे सब चलों को लगा देती हूँ, ये विषयों को ले लेकर के आएंगे और मैं आपको समर्पण करती रहूंगी। यही सिस्टम पहाड़ में चली। वाली पीढ़ी पे बैठे रहता है, वो सब लाते रहती है, दारू की बोतल भी ला के देगी, नहीं देगी तो मारेगा उसको। अरे लाओ पल्ला बेचारे सारे घास काटेगी, सारा काम धंधा बच्चा पैदा करेगी, बच्चे को पालेगी, खेती भी करेगी, सब कुछ करेगी। अरे बैठे बैठे बीड़ी पीने के से और कुछ नहीं, गप्पे मारेगा बीड़ी पिए। बहुत बढ़िया है पर लग रहा नहीं। तो कह रही है इमाम पुरीं त्वाम अधितिष्ठस्व, आप इस पुरी का अधिष्ठित करके बैठ जाइए। और नवमुखी कैसी पुरी है, नौ छिद्रों वाली पुरी है। हे विभो, हे सर्वसमर्थ परमात्मा, आप मया उपनीतान, आप कुछ करना नहीं, मेरे द्वारा ला करके दिया गया हुआ। घृणा काम भोगा शतं समाः, समस्त आपकी कामना के अनुरूप भोगों को मैं ला ला करके दूंगी। आप भोग करते रहिए, कितने दिन, 100 साल पूरा का पूरा जीते रहो, बताओ ऐसी पत्री कहां मिले। बुद्धि सबको मिली हुई है, बुद्धि सबके साथ यही कर रही है। कन्नु तदन्यंगमये यरतिज्ञं मकोविदं असंपरायाभिमुखं अश्वस्तनविदं पशुं। तदन्यं कंद्रमये, आपसे बिना किसके साथ मैं रमण करूंगी। सन्यासी पास जाओ से क्या फायदा, सन्यासी के पास जाने से क्या फायदा है। विवेकी पुरुष है, कहने का मतलब विवेकी पुरुष के पास जाने से कोई फायदा नहीं। और तो बुद्धि जो भी भोग देगा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए बोल देगा, हमको नहीं चाहिए। अरे दो रोटी सूखा मिल जाए, अरे घी लगा दिया तुमने, खराब कर दिया रोटी, पहले जाओ यहाँ सूखा रोटी चाहिए बोले क्या। ऐसे के पास बुद्धि क्या करेगी, जो विषयवासी वासनाशी तो बुद्धि है, ऐसे विवेकी पुरुष के पास क्या टिकेगी, 4 दिन भाग जाएगी वहां से। सूखी रोटी खाए और कुछ न ले, किसी प्रकार विषय की ओर आसक्त ना होवे, प्रवृत्तियों की ओर आसक्ति न दिखाए, तो ऐसे उसे कोई संबंध नहीं रखता। बुद्धिमान स्वयं विवेकशालिनी हो जाती, मजबूरी है उसका, नहीं तो चाहती कैसे है, तमगुणा होकर के हमेशा उपभोग को ही चाहती। इसलिए कहते हैं अरतिज्ञम, जो रति का ज्ञान ही नहीं जिसको, ऐसे जो दूसरे को मैं कैसे रमण कर सकती हूँ आपसे बिन। तदन्यम कौन, अरतिज्ञम अकोविदम, रति का ज्ञान ही नहीं, प्रेम क्या होता है पता ही नहीं उसे, ऐसे के साथ मैं क्या रमण करूंगी। वो अकोविद है हमारी दृष्टि से, अकर्म अनिषिद्ध सुख त्यागन, अनिषिद्ध सुख को भी त्यागने वाला है, अनिषिद्ध सुखों को भी त्यागने वाला है। ऐसे आदमी का सुख क्या करूंगी जाकर के, नीचे सीधे कह रहे ऐसा कौन, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आदि लोग, सन्यासी लोग, इनके पास जो है विषय भोगिनी जो बुद्धि है वो प्रवृत्त नहीं हो सकती, वहां तो विवेकशालिनी होकर के बुद्धि प्रवृत्त होगी। संप्रया भी मुखम और संप्रया संप्रायो मृत्यु तद अनभिमुखम परलोक चिंता शून्य मित्र। अरे मृत्यु का भय नहीं उनको, अरे अभय को प्राप्त कर जा रहे, क्या मतलब है ऐसे सन्यासियों से, नहीं जिनको परलोक भी है मुझे स्वर्ग पाना है, और जिसको स्वर्ग पाना वही तो कहेगा जाया मेसिया, कौन बोलेगा जो स्वर्ग भी कुछ है। जो परलोक की चिंता करने वाला है वो सांप्राय को भी हो जाएगा, मैंने मरने के बाद प्राप्त होने लोगों को कहते सांप्राय संप्रेत्य
प्रापणीय सांपरायम लोकम, उसके चिंतन न करने वाले और सांपराय अभिमुखम। और कैसे सांपराय मरने के बाद की बात तो छोड़ो, कल की भी चिंता नहीं है, मैं ऐसे सर कैसे रहूंगी जब कल की चिंता नहीं है, ऐसे कंगाल जैसे रहने वाले लोग पास कौन रहेगा। वो तो महामूढ़ की बात नहीं कर रहा है, महामूढ़ से क्या लेन देन है। अज्ञानी वैसे परलोक की चिंता नहीं करते, नहीं सामान्य बड़े सभी चाहते स्वर्ग जाना, क्यों चाहते हैं? सब चाहते सामान्य रूपेण सभी, चाहे चंगली पंगली कोई भी पूछो, यदि पशु को भी बोलने की ताकत देकर पूछ लीजिए उससे, हे कुत्ता बता तो कहाँ जाना चाहता मरने के बाद? अभी कहे मैं स्वर्ग जाना चाहूंगा, नहीं कहेगा मैं कुत्ता हूं मैं नर्क में जाना चाहता हूँ, वो भी कहेगा मैं तो स्वर्ग को पूछो, कीचड़ में रहते वहां कीचड़ नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन सुख तो है ना, इससे बढ़िया सुख है तो स्वर्ग में जाऊंगा, संस्कार है ना, स्वर्ग सभी चाहते, चाहे ना चाहे, जान कर अनजान कर जैसा भी, अरे अंग्रेज तक भी विदेशी भी क्या बोलते हेवन हेवन चाहिए, अरे हेवन को क्यों नहीं चाहता कोई, मुसलमान देख जिन्नत पे जाऊ को क्या चाहिए, सात आकाश के परम जाएंगे सात आसमान के ऊपर जाना चाहते, कौन देखा है उसको, ते सब चाहते हैं। और ये तो सन्यासी त्यागी नैतिक ब्रह्मचारी क्या है, ये वो उसको भी नहीं चाहते, इसलिए जाया मेरे साथ तो इनके अंदर घटेगा नहीं, और कुछ नहीं तो कल की तो चिंता करे, कल बुढ़ापा आएगी तब मेरे को पालेगा, इसे दो चार पुत्र तो कम से कम चाहिए, इस भाव से तो कम से कम चले, ये भी नहीं लो क्या कल अस्वस्तन स्वस्तन विदम, जो स्वस्तन में कल की चिंता करने वाला उसके बारे जानने वाला वो स्वस्तन विद, अस्वस्तन विदम पशु जान के कर रहे यू तब तो अज्ञान की ओर जाना है ना भाई, ये संसार बढ़ाना है ना, इसलिए क्या करना पड़ता है, विद्वान की निंदा सन्यास की निंदा, ये तो बेकार है, ऐसे के वक्त जाके क्या करूंगी,